गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम शवि। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर का, जिसके लिए मुझे बहुत कम टाइम चाहिए आपके लिए, क्योंकि मैं अपना मेकअप जो है ऑलरेडी कर चुकी हूँ एंड अभी मैं आपको इसका इफेक्ट जो है वो दिखाना चाहती हूँ। मैंने इसे 2-3 दिन से मैं इसको रेगुलर यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह भी बाहर गई थी तब भी मैंने इसे लगाया, शाम को मैं कहीं गई थी उसके बाद भी मैंने एटलीस्ट इसको 4 से 5 बार इस्तेमाल कर लिया है एंड इसका इफेक्ट मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए मैं आपसे इसको शेयर कर रही हूँ। अगर किसी भी प्रोडक्ट में मुझे कुछ भी खामी लगी है तो डेफिनेटली मैंने मेंशन की है, जैसे कि मैंने आपको लिक्विड हाइलाइटर के बारे में बताया था, खामी तो नहीं थी वो, लेकिन मैंने बताया था कि उसमें ग्लिटर पार्टिकल है, वो प्योरली हाइलाइटर का काम नहीं करता है, आपको थोड़ी ग्लिटर भी देता है फेस के ऊपर। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसकी सारी खूबियां सारी खामियां मैं सारी की सारी आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो मुझे इसमें कोई खामी दिखती नहीं है, इसके प्राइस से लेकर इसकी क्वालिटी तक मुझे कोई खामी नहीं दिखी है इसमें। तो सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, इसका प्राइस है 180 रुपीज, जो कि मैंने मार्केट से लिया है। इसका ऑनलाइन प्राइस क्या है वो आपको स्क्रीन के ऊपर मैं मेंशन डेफिनेटली कर दूंगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना था, इसलिए मैंने मेकअप पहले से ही कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने ये वाला प्राइमर इस्तेमाल किया है स्विस ब्यूटी का, उसके बाद मैंने फाउंडेशन इस्तेमाल किया है फिर हुडा ब्यूटी का, उसके बाद मैंने लैक्मे का कॉम्पैक्ट से अपने मेकअप को सेट कर लिया था, उसके बाद मैंने एक लिप कलर इस्तेमाल किया था जो कि था हिलारी रोडा का, एंड मैंने अपना मेकअप को कम्प्लीट किया विद ब्लशर एंड हाईलाइटर ऑफ स्विस ब्यूटी को, मैंने अपने हाई पॉइंट्स के ऊपर लगाया एंड मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया। तो अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ मेकअप फिक्सर, इसे मेरा मेकअप जो है वो बिल्कुल भी हिलने नहीं वाला है, तो आपको थोड़ा सा इसे शेक करना है एंड इसका जो पिन पॉइंट है आपके फेस के ऊपर आना चाहिए इस तरह, एंड जस्ट थोड़ा दूर से करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये फैलकर जब आपके फेस के ऊपर गिरेगा तो सारे के सारे फेस पर इसका इफेक्ट जो वो आना चाहिए। यहाँ पे नहीं आया है क्योंकि मैं बात कर रही थी, तो मैं भी करूंगी। एंड जब भी आप इसको अप्लाई कर रहे हो आपका मुंह बंद होना चाहिए एंड ऑल्सो आपकी आंखें भी बंद होनी चाहिए। जब भी आप कोई भी फिक्सर इस्तेमाल कर रहे हो मेकअप फिक्सर, तो आपकी आंखें जो है वो बंद होनी चाहिए। मैंने इसलिए पहले लगा लिया ताकि आप इसका इफेक्ट देख सकें कि कोई कालापन नहीं देता है आपके फेस के ऊपर, प्लस एक शाइन सी आ गई है मेरे फेस के ऊपर। एंड आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसमें विटामिन ई और एलोवेरा भी है, तो घर पे डीआईवाई में भी अगर आप फिक्सर बनाना चाहते हैं, जो कि मैं आपको बहुत जल्द बनाना सिखाऊंगी, उसमें भी एलोवेरा और विटामिन ई का इस्तेमाल होता है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका इफेक्ट होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स भी नहीं है, तो आपका फेस जो है वो खराब नहीं होगा, आपकी स्किन जो है वो खराब नहीं होगी। नेचुरल मेकअप किया है मैंने, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है एंड इसको लगाने के बाद ये हटेगा नहीं, काफ़ी देर तक इसकी लॉन्ग लास्टिंग अप्रोच है। तो मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है यूजेज एंड डायरेक्शन, यानी कि आपको इसको किस तरह से यूज करना है, और डायरेक्शन यानी कि किस तरह से आपको ये डायरेक्ट करना है अपने फेस के ऊपर, वो लिखा हुआ है। मेकअप फिक्सर यूज्ड ईदर बिफोर और आफ्टर मेकअप इज टू सेट योर मेकअप सो दैट इट कैन स्टे लॉन्गर, नॉट टू बी वाइप्ड ऑफ विद टच ऑफ हैंड्स और रन ऑफ विद एनी स्वाइप। यानी कि आपको ये फिक्सर का मतलब क्या होता है, जब आप फिक्सर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जब आप किसी अपने यहाँ पे हाथ लगाएंगे ना, तो आपकी फाउंडेशन हट जाएगी, थोड़ा थोड़ा वो आपके फिंगर के निशान जो है वो आपके फेस के ऊपर रह जाते हैं, तो इसको लगाने के बाद वो चीज बिल्कुल नहीं रहेगी, प्लस ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ कि लॉन्ग लास्टिंग है, स्प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस से स्प्रे करना है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, एंड लेट इट ड्राई बिफोर अप्लाइंग मेकअप और टू सेट मेकअप स्प्रे आफ्टर अप्लाइंग द मेकअप। आप इसको मेकअप अप्लाई करने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका मेकअप साथ के साथ फिक्स हो जाए, ऐसी वीडियो भी मैं एक बना चुकी हूँ जो कि आपको चेकआउट करनी पड़ेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप अपनी फाउंडेशन को स्वेट प्रूफ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपनी फाउंडेशन को लगाएं, उसके बाद इसको स्प्रे करके और फटाफट से आपको ब्रश के साथ अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेना होता है, जिससे आपकी जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है, प्लस आपको स्वेट नहीं होता है फेस। तो यही चीज उसमें बताई गई है कि आपको पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको और बाद में भी कर सकते हैं, प्लस इसका बॉटल मुझे बहुत अच्छा लगा,
बहुत ही अच्छा और ब्लैकिश कलर का ये था, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास जो ब्लैक कलर का है और इतना स्वीट है। तो ये प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है और उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है। तो ट्राई करके जरूर देखिएगा, ट्राई करने के बाद मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकियों को भी इसके बारे में पता चल सके। तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।